सीता विश्वकर्मा चैनल में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर बजाइए नए नए अपडेट्स के लिए। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल के गजक। उसके लिए सामग्री चाहिए, एक कटोरी तिल, थोड़ा सा पानी, बेकिंग पाउडर एक चुटकी, इलायची 4 से 5, गुड़ आधी कटोरी, घी आधा चम्मच। सबसे पहले हम तिल को हमने भूंजा है 3 से 4 मिनट तक, ये फूल जाएगा और थोड़ा हल्का सुनहरा कलर आएगा। इसको चलाते रहना, तो नीचे से जल जाएगा। ये हमारा तिल अच्छे से भून गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे। हमने तिल को भून लिया है, ऐसे फूल गया अच्छे से और ब्राउन कलर हो गया हल्का सा। ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे ना तो खड़बड़ टेस्ट हो जाएगा। और हम इसको अब 5 मिनट के बाद, ये ठंडा हो गया है, इसको हम मिक्सी के जार में पीसेंगे मोटा मोटा। तिल हमारा ठंडा हो गया है 4-5 मिनट में, अब इसको हम मिक्सी के जार में मोटा मोटा सा पीस लेंगे। ये हमने पीस लिया है, इतना मोटा दरदरा का होना चाहिए, बिल्कुल बारीक इसको नहीं पीसेंगे। पहले हम पानी डालेंगे और घी हम आधा चम्मच डालेंगे। घी को पिघल गया है अच्छे से, अब हम गुड़ डालेंगे आधी कटोरी। गुड़ को हमने छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है ताकि अच्छे से इसे पिघल जाए। इसको चलाते रहना है ताकि ये गुड़ अच्छे से हमारा चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। जब हमारा गुड़ थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा तो इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। अभी हमारा घुला नहीं अच्छी तरह से, जो गैस हम धीमा कर देंगे। चाशनी हमारी बन गई है, इसमें डाल के देखते हुए इसमें देखो बिल्कुल अच्छे से जम जा रही है, इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। गैस हम बंद कर देंगे, अब इसमें हम बेकिंग सोडा 2 चिटकी हम डालेंगे। इससे हमारे सॉफ्टी बनेंगे और हल्के बनेंगे। अब हम इसमें तिल डाल देंगे। इसको हम थोड़ा अच्छे से ऐसे मिल गया है और ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, ये हमारा तैयार हो गया है। थाली लेंगे, उसमें हम घी लगा लेंगे ताकि इसमें चिपके नहीं। इसको हम थाली में डाल देंगे, तो इसमें हम घी लगा लेंगे और इससे हम उसमें दबाएंगे ताकि अच्छे से बराबर फैल जाए। थोड़ा ठंडा होने के बाद 2 मिनट बाद हम इसको काट लेंगे। जब गर्म रहेगा, जब ही इसको काटेंगे ना तो बाद में ठंडा होने के बाद ये नहीं कटेगा। ये हमारे पीस कट गए हैं, अभी ये गर्म है, ठंडा होने के बाद ही इसको हम निकालेंगे। कटने के बाद हम इसमें इलायची डालेंगे। ये हमारे गजक बन गए हैं, इसे त्योहारों पे बना सकते हैं, ये बहुत आसानी से बन जाता है। इसे बनाइए और हमें ज़रूर बताइए।